हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ गॉट टैलेंट, एक अननेसेसरी रियलिटी शो। इस शो का कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। वाइल्ड शो में आए हो तुम। इट इज अ पॉइंटलेस रियलिटी शो बट इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सिस्टम। इंडिया के कोने कोने से लोग इस शो में अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे। उनके पास केवल 90 सेकंड होंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, लेकिन अपना टैलेंट दिखाने से पहले उन्हें खुद को 10 में से स्कोर देना होगा। टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी उनको स्कोर देंगे। अगर जजेस का एवरेज स्कोर वही निकलता है जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्मेंस करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा और उस दिन के शो टिकट सेल्स का सारा पैसा उनका हो जाएगा। तो बहुत पैसा ऑन द लाइन है यहाँ पे। जी हाँ, इस शो से हमें पता चलेगा कि कौन कितना सेल्फ अवेयर है, और इस शो के यूट्यूब व्यूज से हमें ये पता चलेगा कि कौन कितना बेरोजगार। तो बस शुरू करते हैं। Make some noise for everyone on the panel, guys. Come on. आज मेरे पापा भी आए हैं genuinely. So make some noise for Amit Tandon, everybody. Come on. Sir, कैसे हो आप यार? बहुत बढ़िया। हम stage पे आ रहे थे ना, एक लड़की बोली, कौन है ये? Shit. किसने बोला? यहाँ किसी ने बोला, अपने पापा को पूछना। नहीं, मम्मी से पूछना बाबू। We also have Neeti ji. Make some noise for Neeti Pal, everyone. Neeti ji, इस उम्र में how you are looking so fresh, यार? Such a good skin care. What's your skin care routine? Mom Earth बोल रहा है कोई वहाँ से। We also have Dada Earth. महीप जी को बोला था आप कब आ सकते हो, कह रहे मैं अभी भी आ सकता हूँ या अगले महीने भी आ सकता हूँ। मैं कहा रिस्क नहीं लेते हैं। दो दिन में ही छोड़ा दिया मेरे भाई। कैसे हैं सर महीप जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, सब सही चल रहा है आपके घर में? मेरे घर में अच्छा चल रहा है, मेरे घर में। विल मूव ऑन। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार। आप लोग आए इतने दूर से, दिल्ली से आए एक बार यार, जोरदार तालियां इनके लिए। तो शुड वी बिगिन इंडियाज़ गॉट टैलेंट? तो द फर्स्ट एक्ट, बच्चा, दैट्स हिज नेम, बच्चा। बाचा है? बाचा ये मतलब नाम है कि ये क्या है? व्हाटएवर इट इज, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बाचा। ये तो बच्चा किडनैपर लग रहा है भाई, वाकई में बच्चा है। सॉरी भाई, शुरू कर दिया। सॉरी सॉरी, मेरा बच्चा मत चुरा रहा भाई। चलो करो यार, करो। सॉरी भाई, लेट हिम डू इट, लेट हिम। यो चेक, लेट्स गो। मैं तेरा राम और तू है मेरी सीता, बन तेरे बालों में लाल रंग पीता, कोई दिक्कत तो होगा तो बड़ा भगवत गीता, मीठा नहीं खाता क्योंकि खाता हूँ टीका, जो कुछ भी सीखा मैं सड़कों से सीखा, अलग है मेरा जीने का तरीका। ए सुनीता, ए सुनीता, अच्छा बैठ जा साथ में, पिक्चर दिखाऊंगा, गाड़ी में घुमाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, तेरे सारे नखरे उठाऊंगा, जो तुम बोलोगी वो लेकर आऊंगा, चांदी की जगह पे सोना पहनाऊंगा, धरती से तुमको आसमान घुमाऊंगा, जो भी लिखूंगा पहले तुमको सुनाऊंगा, हर सोमवार को मंदिर में जाऊंगा, राम नाम का टीका लगाऊंगा, तेरी लंबी उम्र के लिए रोज दिए जलाऊंगा, जयकारा लगाऊंगा, प्रसाद बटवाऊंगा, वादा जो करूंगा उसे पूरा निभाऊंगा, छोड़ के तुमको कहीं नहीं जाऊंगा, जहर भी दोगी तो हंस कर खाऊंगा, मरते दम तक साथ निभाऊंगा, साथ निभाऊंगा, दिल मेरा बस तुझको ही चाहता है, बातें करता तेरी और तुझी में खो जाता है, कैसे बताऊं तुझे कितना है चाहता है, कितना है चाहता है, तेरे लिए ही ये गाने बनाता है, देख के तुझको बड़ा शर्माता है, कैसे बताऊं तुझे कितना है चाहता है, कितना है चाहता है, तेरे लिए ही ये गाने बनाता है। यो बाचा, 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 बाचा,
वो बच्चा नहीं है भांचा है वो मैं मैंने क्या बोला भाई मैं ये बोल रहा हूँ आप जो बच्चा बोले ना वो भांचा मैंने बाचा बोला भाई बाचा मतलब आपका मैंने करेक्ट किया भाई को आपका असली नेम है बाचा नहीं रोहित है स्टेज नेम बाचा है आपका ये नाम कैसे पड़ा बाचा वो क्या मेरे गांव में ना मेरे जितने भी दोस्त यार सब बाचा ही बोलते हैं क्योंकि मैं अपने मामा गांव में रहता था तो उधर सभी लोग कुछ मतलब बाचा का कुछ मतलब है नहीं मतलब तो नहीं है बस इस स्टेज नेम रखने के लिए रख लिया वाचा अच्छा लगता था भाई बहुत इस क्या मस्त गाया मेरा एक्सपेक्टेशन एकदम पार दिया आपने भाई ये मेरा पहला था मतलब फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये कभी भी एक सेकंड उसने खुद ही लिखा अपने रिज्यूमे में मैं झूठ बहुत बोलता हूँ नहीं आई स्वेयर ये फर्स्ट टाइम है ये फर्स्ट टाइम लेकिन बाकी चीजें बहुत झूठ बोलता हूँ तो रोहित आप कितनी दूर से आ रहे हो यहाँ पे ये करने मैं छत्तीसगढ़ से हूँ छत्तीसगढ़ से ना तो ये मेरा बच्चा नहीं है यार तूने ये लिखा है ये मैं अपने दोस्तों को कभी माँ की गाली नहीं देता बाकी देर में तो सारी बाकी सारी बस माँ की नहीं माँ की क्यों नहीं एनी पर्टिकुलर नहीं reason? अच्छा नहीं लगता माँ का मतलब सीख रहे हो कुछ मई सर मैं अपने दोस्त की माँ को माँ मानता हूँ तो माँ को कैसे माँ की गाली दे सकता हूँ इसलिए क्या बात है तो बाप की तो गाने मार दो उनकी बहन को क्या मानते हो बहन को क्या मानते हो उसकी बहन को बहन अरे माँ उसकी बेटी है तो बहन ही मानूंगा ना तो गाली किसको देते हो फिर आप गाली किसको देते हो किसी को किसी रिश्तेदार को देते हो अरे बताओ ना यार कोई एग्जांपल देना जो जो देता है जो अलाउड है तेरे मन में जो तो अभी मुझे दे रहा है दिमाग में भाई खुल के दे दे मांग रहे हैं दूसरी टीम से तो नहीं खेलते आप बाप बाप की गाली मतलब तेरे बाप की गांड मार दूंगा ऐसा तो नहीं कुछ नहीं नहीं वो सब मानने की आदत नहीं अरे तो इस गाने में एक लड़की का नाम भी लिया ना तुम हाँ वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है अरे सुन लो वो भी तो किसी की बहन है भाई अरे तो ये तू दोस्त की माँ को माँ मानता है बहन को बहन मानता है और गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड मानता है ऐसा है क्या वो मेरा दोस्त है ना अमन नाम है उसका उसने बोला था मेरे लिए सॉन्ग लिखना तो वो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुनिए था तो उसी के लिए लिख दे अभी वो सुनेगा अगर उस आपको दोस्त से गर्लफ्रेंड के लिए गाना लिखना था तो ये इतना लव सॉन्ग क्यों लिखा आपने अरे तो वो ज्यादा प्यार करते है ना उससे आप भी करते हो नहीं भाई नहीं अपने को नहीं जुड़ो वाला है जुड़ो वाला है आपकी गर्लफ्रेंड है नहीं नहीं ये तो सच बोल रहा है ये तो सच बोल रहा है आपके सारे दोस्त छत्तीसगढ़ में हैं आप यहाँ पे बॉम्बे में क्या कर रहे हो बस घूम रहा हूँ टाइम पास अभी उम्र ही क्या आप यहाँ पे काम करने आए हो क्या करने आए हो मतलब बॉम्बे आए हो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ घूम रहा हूँ इधर उधर बस गाने लिखता हूँ घूमते घूमते कहाँ कहाँ गए हो आप हाँ पूरा मुंबई घूम चुका हूँ अच्छा वो भी फास्ट में काम करता हूँ ना आप टाइम कब निकालते हो ये गाने लिखने का मतलब आप कितने घंटे काम जब आता ना डिलीवरी फेल्ड तब ये लिख रहा होता रहा है जो सुनीता आएगी क्या सही है भाई बाचा भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार तो शुड वी स्कोर बाचा तो मैंने दिया बाचा को 9.5 10 from Neeti ji, 10 from Mahip ji, 10 from my side. All right, let's 10. go. That makes your average 9.5. Bacha, 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 bacha. 8.5. Come on, bacha.
ये कम क्यों दिया यार, ये तो आपके नंबर थे, आपकी बी फास्ट की रेटिंग थोड़ी थी। यहाँ एक बात ऐसा कॉन्फिडेंस है, यहाँ आगे कॉन्फिडेंस आ गया आपको। अरे कोई नहीं भाई, बादशाह भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बादशाह भाई। शिवानी रे, कैन वी हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिवानी। शिवानी रे, हेलो। या देखो बकचोदी तो बाद में होती रहेगी, पहले परफॉर्म करती हूँ, ठीक है? तो ऑल मिसोजिनिस्ट एंड सूडो फेमिनिस्ट, ध्यान यहाँ पे। कमाने वाला हाथ किसका ये है कौन जानता। देखो मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाला है, ठीक है? लोग बाद में देना यार समय। आ वापस रिस्टार्ट, हाँ, रिस्टार्ट प्लीज। मैंने तुम्हें मिसोजिनिस्ट नहीं बोला। नहीं, मैंने खुद को बोला। ओके गाइस प्लीज सीरियस। कमाने वाला जेब किसका ये है कौन जानता। कि कमाने वाला जेब किसका ये है कौन जानता। खिलाने वाले हाथ की भी अब नहीं है मान्यता। औरतों और मर्द में अब छिड़ चुकी एक जंग है। कि औरतों और मर्द में अब छिड़ चुकी एक जंग है। किसकी जेब है भरी और कौन रोटी सेकता। और देखो तो ये जंग अब गलत नहीं समाज में। कि देखो तो ये जंग अब गलत नहीं समाज में। आधा आधा बट गया तो आसानी होगी काज में। पर सच में है ये आधा या बस कहने की एक बात है। और दोनों ने है खुद चुना या थोपे बस हालात है। कहते हैं मर्द के हाथों में सुई धागा जचता नहीं। कि कहते हैं मर्द के हाथों में सुई धागा जचता नहीं। मेरे कुछ लिबास में उसने ही है जेबी सिली। कुछ वो कमा के लाता है कुछ मैं भी लेके आती हूँ। कि कुछ वो कमा के लाता है कुछ मैं भी लेके आती हूँ। फिर साथ उसके ही पका उसे प्यार से खिलाती हूँ। वो स्वाद ना ही उसके हाथ का है ना ही मेरे हाथ का। कि वो स्वाद ना ही उसके हाथ का है ना ही मेरे हाथ का। वो स्वाद तो है साथ का जो आधा आधा बट गया। जो मर्द और औरतों की जात से है हट गया। वो स्वाद तो है प्यार का जो अब सिर्फ इंसानियत में सिमट गया। थैंक यू सो मच। क्या बात है शिवानी राय। वेरी होलसम। आई हैव समथिंग टू आस्क शिवानी जी, व्हेन यू गो आउट ऑन अ डेट हु पेज द बिल। यार मुझे कोई डेट पे ले ही नहीं गया है, मैं क्या करूं। बट इफ यू गो आउट ऑन अ डेट देन लाइक वुड यू बी फुटिंग द बिल, वुड ही बी फुटिंग द बिल। व्हाट? आधा आधा। आधा आधा। यस। स्प्लिट वाइज यूज करते हैं आप। वैसे द करेक्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज द पर्सन हु आस्क्ड यू आउट हैज टू पे। But no one is asking me out, ना तो कोई पूछ लेगा तो मुझे दया आ जाएगी। भाई पूछ लिया, आधा दे ही देती हूँ। देखो आप भी सिंगल हैं और वो बादशाह भी सिंगल था। तो मैं कहता हूँ आधा आधा कर लेते हैं। नहीं, looks matter मतलब। Yes. अरे गंदी सोच है आपकी यार। इतने अच्छे विचार है आपके कविता के। यार तुमसे ज्यादा गंदा नहीं हो सकता। नहीं मैं तो बहुत ही गंदा हूँ, मेरे से गंदा भी है इधर। अबे हम आधा आधा कर रहे हैं। मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि दिस इज नॉट कमिंग राइट एक्चुअली, वट एवर यू आर सेइंग कि आधा वो दे देगा आधा मैं दे दूंगी। तो मतलब समय रहना के स्टैंडर्ड से ये गलत है। ठीक है, पोएट्री के हिसाब से ठीक है कि तू आधा दे दे मैं आधा दे दूं। जब समय रहना ऐसा बोलता है तो वो आधा कभी नहीं देता, या तो वो पूरा देता है या नहीं देता। किस बारे में बात हो रही है अभी? बात किस बारे में हो रही है? हम पेमेंट की बात कर रहे हैं। शिवानी, हैव यू आस्क्ड एनीबॉडी आउट? नो यार, नो, नॉट येट। You have never asked anyone out. नहीं। आप चाहते लड़का ही पूछे आपको? Yes. फिर ये सारी फेमिनिज्म आज आ गई में, हैं? ये गलत नहीं है। कौन सा लड़का? यही है, हैं? यही है। और तुम कह रहे हो लड़का ही पूछे तभी ठीक है, पर दे दूंगी मैं आधे आधे पैसे। अभी इन्होंने बोला ना कि the one who asked out to have to pay full, इसलिए मैं नहीं पूछती। देखो टपरी की चाय भी डेट हो सकती है, ठीक है? पूछ लो। हाँ पक्का। अच्छा दिखने वाला, स्मार्ट वार्ड, कोई अच्छा मिल जाए तो। सब चाहिए आपको, लुक्स भी चाहिए और ठीक तो दिखी जाए। पूछे भी अगला वही। पूछे भी वही। हाँ। ये तो बहुत, आप तो सिंगल ही रहेंगे यार मुझे लग रहा है। तो कब से रह रहे हैं आप?
कहाँ? डिल्यूजन में. बहुत वक्त हो गया है आपको. पर बढ़िया था यार. एंड्रू टेट के बारे में क्या विचार है आपके? एंड्रू टेट इनके बारे में क्या विचार है? मैं सिंगल रह लूंगी. मैं ना सुनता यार बढ़िया. If you find someone who you really like, will you not go ask them out? I will, of course. But अफसोस ये है कि मैंने जैसे ही सोचा कि मैं बता दूँ, वो इंसान committed हो गया उसी point पे. तो महीप जी को पूछा क्यों आपने? अरे यार, कोई अपनी एज का. अरे यार, बकचोदी नहीं करो यार फालतू की. लिखो 98. No, शिवानी, I really liked the thoughts के आपका imaginary boyfriend है. आप किसी को misogynist कहना चाहती थी, पर यहाँ पे किसी को misogynist के spelling नहीं आती. तो आपका क्या है goal life? मैंने लिखा है ना कि delusion को हकीकत में बदल देना. Oh. तो आपका क्या है? What's your biggest delusion? I feel कि जैसे कि मैंने poetry सुनाई, तो वो poetry काफ़ी meaningful है. तो मुझे लगता है वैसे ही नहीं चलती. यही मैं reels पे जाके बोल दूँ कि अक्कर बक्कर बम्बे वो अपनी इज्जत मुझको दो, तो ये viral चला जाएगा. मतलब जो चीज़ें सही हैं वो नहीं चलती. तो इसके बाद भी चीज़ राइट है. मैंने 10 साल मीनिंगफुल कॉमेडी की. एक बार पूछा मम्मी कैसी है. तो शिवानी राय जी, तो यू थिंक देयर इज लाइक अ स्कोप इन पोएट्री? आप अगर क्वालिटी कंटेंट छोड़ दो बकवास करने लोगों, तो हाँ है. और वो मुझसे हो नहीं पा रहा, बट आई विल ट्राई. मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ आपके ऊपर फिट. अरे सीरियस है ये? अच्छा इरशाद, हकीकत नहीं हो, हकीकत नहीं हो तुम मेरा भरम हो. हकीकत नहीं हो तुम मेरा भरम हो. झूठे तो सब हैं, तुम थोड़ी कम हो. क्या बात है, क्या बात है महीप जी. ठीक था ना ये शेर? अच्छा था, बहुत प्यारा था. लिखो 9-8. शिवानी राय ब्रो, amazing यार शिवानी राय, thank you so much for joining यार. Your poetry was amazing. And तो मैंने दिए हैं आपको 9. मैं आपने 7-7. तो I'll tell you why. Content अच्छा था, but delivery I think you know is something that you really need to work on. वो conviction नहीं थी, वो कोशिश ये थी कि हाँ थोड़ा मैं shock कर दूँ, but the in poetry I think the delivery is as important as. गुलजार साहब बैठे हैं हमारे साथ. नीति जी, देखो इंडिया में सब औरतों से डिलीवरी मांगते रहते हैं. औरतों से ही मांग सकते हैं यार आजकल तो भैया. आजकल आधा तुम आधा मैं. 9 फ्रॉम नीति जी आल्सो. दो चीजें काट के 9 दिया इन्होंने. पहले 9 था, फिर 8 था, फिर 9. अच्छा, आपने भी 9 दिया है. आप नंबर तो लिख रहे अपना. तो आपका एवरेज होता है 8.5. वेरी क्लोज शिवानी जी यार. थोड़ा सा रह गया यार, काश आधा मैं और देता. Make some noise for शिवानी राय everyone. Alright, up next we have भारत का ऑस्कर. वाह, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भारत का ऑस्कर एवरीवन.
हाय हाय कैसे हो सब? थैंक्स फॉर कमिंग गाइस, एक बार आप खुद के लिए तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यस या या हाय गाइस, मेरा नाम ही ऑस्कर है, हमारे घर पे कुत्ता है, उसका नाम भास्कर है। नाम का मतलब होता है कि नहीं? नाम का मतलब होता है, जैसे भाई आपका नाम क्या? इजरान। इजरान नाम का भी कुछ मतलब है कि नहीं? मैंने एक दिन घर पे घर वालों को पूछा कि आप लोगों ने मेरा नाम ऑस्कर क्यों रखा, वो नहीं हॉलीवुड का अवार्ड देखा रहेगा ना आप लोग ने, तो घर वाले बोलते कि ऑस्कर जब ही तो पैदा हुआ था ना, जब ही तो पैदा हुआ था तभी तो ऐसे बाहर आया था। मैं बोला अच्छा हूँ ऐसा बाहर नहीं आया। कितने लोग ट्रेन से ट्रैवल करते, गिव मी चीयर। सब लोग यार आप लोग ने देखा रहेगा, कुछ लोग नहीं आते वो ट्रेन में ताली बजा के पैसा मांगते, वो नहीं लोकल ट्रेन के एयर होस्टेस। वो आया मेरे पास ताली बजाया पैसा मांगा, मैंने उसको दिया, तो मेरे लिए ऐसा कुछ तो मंत्र पढ़ रहा था, कुछ तो ऐसा आशीर्वाद दे रहा था और गया। मैं बोला रुक इतना करके, मैंने उसको पूछा तेरा इस मंत्र का रिजल्ट नहीं आया तो रिफंड मिलेगा क्या? तो मेरे को बोलता अरे भाई ये मेरा कार्ड रखना, इस पर मेल आई डी है, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मुझे मेल कर देना। मैंने बोला भाई तू पढ़ा लिखा है जॉब भी कर ये सब क्यों कर रहा है? बोलता है ब्रो मैं पहले जॉब ही कर रहा था, मुझे बॉस के लिए ताली बजाना पड़ रहा था। अब मैं खुद के लिए बजा रहा हूं, ये है मेरा स्टार्टअप, दिखाओ क्या पीपीटी मिला, चल भागे से, मुझे नहीं बनना तेरा को फाउंडर। थैंक यू, दैट्स माय टाइम, यू हैव बीन लवली। लेट्स गो। कब से कर रहे हो आप कॉमेडी? 2021 जितना किलसा हुआ लग रहा है, लग रहा है सुनीता ही ऐसी गर्लफ्रेंड। बैड शो, मेरे बंदे गाने बन रहे हैं। कॉमिक स्टान में अप्लाई किया था आपने? भाई उन्होंने 2021 में तो उन्होंने काम चालू किया भाई, तो आया था ना सीजन 2, तभी आया था सीजन 2, सीजन 3 3 आया था। आप कौन से सीजन में जीते हो भाई? मैं सेकंड सीजन में हारा था, जीरो में आकाश गुप्ता विनर था, सच बताऊं तो को विनर वो भी अब जज हियर फ्रॉम कॉमिक स्टान गाइस। यस नीति जी, लेट मी आस्क यू द सेम क्वेश्चन, मेरा अच्छा चल रहा है कि आपका खराब चल रहा है? यार ये कश्मीर में इनको वाईफाई काटनी नहीं चाहिए, ये हो जाते हैं। ओ भाई, कॉमिक स्टान 3 में अप्लाई नहीं किया आपने? क्यों, क्या फायदा? भाई बन जाता है भाई, देख सोलंकी देख कितना फेमस हो गया, फिर भी रोज बनाना पड़ा ना। किलसा हुआ है भाई, ऐसा कुछ हुआ है क्या? है तेरा ट्रॉमा क्या है बता दे अब, क्या मामा ने छुआ है बचपन में कुछ? कुछ है ड्रामा भाई, क्या ड्रामा है? मेरे को पत्थर नहीं पड़े, पत्थर नहीं पड़े। तेरी दाढ़ी थी ना इसलिए। इसलिए आप आजकल निकाल के घूम रहे हो? यार ये वाला काट देंगे, ये वाला काट देंगे। ऑलराइट भाई, भारत का ऑस्कर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे यार, एंड कीप स्माइलिंग, एंड आई हैव टाइम टू स्कोर हिम यार,
मैंने आपको दिए 8, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका सेट। अमित सर ने दिए 7.5, महीप जी विद 6, 8, बलराज विद 8, दैट मेक्स योर एवरेज ऑफ 7। भारत का ऑस्कर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मेरे भाई। He was very close to being self-aware. Are we ready for a rapper, guys? Come on. Make some noise for Puneet Malhotra. भाई जोरदार तालियां पुनीत मल्होत्रा के लिए। क्या सीन? तो गुंडा ही लग रहा है भाई। फूकते हो क्या? फूकते हो क्या? I just want to start. भाई ये जो स्माइल तू दे रहा है ना, ये फालतू जोक पे क्या तू सीरियसली दे सकता था सोबर होके? जरा सोच, ये ट्रिप तुझे कहाँ ले आई है? हाँ, एक अलग डिमेंशन, एक अलग वर्ल्ड में। तो तू सोच ले, क्या ये आँख हिलाल है या तू बेहाल है? पर जो फीलिंग है ना बंटी, एक नंबर जमाल है। जमाल का मतलब सोच लो, कमाल हो बंटी तुम। जेब में कुछ नहीं, बस माल है। ओ ये माला माल हो तुम, ढाल तुम अपने परिवार की, सिर्फ एक सवाल हो तुम। और अगर ये सवाल भी तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है तो भाई बवाल हो तुम। कुछ सच्चाई व्यक्त करना चाहूँगा मैं आपकी इजाज़त से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्ट। शायद सबने की एक्सपीरियंस इन फैक्ट कि दुनिया में हर चीज़ एक नशा है, और नशा एक एहसास। तो तेरे में मेरे में फ़र्क क्यों ढूंढ रहे हो? क्यों लाना चाहते हो खुद में क्लास? क्योंकि खुद में क्लास लाना भी एक नशा है, और नशे में रहना भी एक क्लास। तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा दुनिया को बता कि तुम्हारे ये हालात? सोभंड रहे बिंदास और रहे इसे अकेला होके भी सबके साथ है तू, क्योंकि स्टोरी तेरी ट्रेजेडिक है। कोई नहीं समझेगा तुझे जब तक तेरे शूज में नहीं आया था। सिवन वन सेज यू अंडरस्टैंड भाई, तेरे बॉल पे उसके शॉट फ्लिक है। और दुनिया का क्या पता है क्या? दुनिया साली मादर चोद है, दुनिया साली पीछे से वार करती है, क्योंकि खड़ा उनका टिक है। इसलिए परवाह मत कर और बोल बिंदास। भंडी हुआ हूँ मैं भंडी, भंडी सच बता रहा हूँ मैं भंडी। ऐसे एक जगह पे देख रहा है जैसे मैरिज डॉक्टर स्ट्रेंज है, और अभी हाथ घुमाऊंगा ले जाऊंगा तुझे कल इस फ्रेम में। ऐसे होएगा बेडू व्हेन आई पास दिस टू यू जगह। ऑलराइट, तो पुनीत जी आप ड्रग्स करते हैं? नहीं, ये सवाल नहीं है, स्टेटमेंट है। आप ड्रग्स करते हैं तो कितने टाइम से हैं आप इस जोन में? माइक 5-6 साल से इस जोन में। हाउ ओल्ड आर यू मेरे भाई? 27। अच्छा, तो घर का क्या क्या सामान बेचा इसके लिए? कुछ नहीं बेचा। तो आपको कभी डर नहीं लगता? किस चीज का? भाई ये लीगल नहीं है इंडिया में जो आप कर रहे हैं। हाँ, तो खुलेआम थोड़ी करता हूँ। 8 कैमरे लगे हैं इधर भाई। फूक तो नहीं? आपको तो 16 दिख रहे होंगे। आपके घर में और भी कोई है? हाँ है ना। रियल में ये अगर रात में चल दिया घर में भंडी तो गांड पड़ जाएगी घर वालों की। भाई इसकी वजह से गांजे और 20 साल बाद लीगल होगा इंडिया में। भंडी तो आपको सपने आते हैं? हाँ भाई। नहीं, जागते हुए नहीं। आपने जो ये परफॉर्म किया, ये आपका रैप था, ब्रेकडाउन था, क्या था ये? क्योंकि कुछ क्रेजी किया भाई आपने, मुझे क्या जॉनरा था ये कोई आइडिया ही नहीं। आप शुरू आए, बातें की आपने, पहले मेरे को कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फिर सडनली आप गाना चले गए, क्या था ये? रैप ही था। रैप था ये? अच्छा, बीट आपके दिमाग में बज रही होगी। तो पुनीत जी यार, तो आपको लगता नहीं कि नशे करना गलत बात है? हाँ लगता तो है, पर मजा आता है।
तो कभी आपने क्विट भाई क्या हो रहा है भाई गर्दन दुख रहा था गर्दन मुझे लगा आपने क्विट करने का कोशिश किया हाँ हाँ मैं अभी नहीं फूंक रहा हूँ नहीं नहीं रैपिंग रैपिंग अभी शायद वही करना पड़ेगा नहीं नहीं भाई बट मेसी भाई के बारे में क्या लगता है आपको मतलब मतलब यू फॉलो हिम या सुनता हूँ थोड़ा सुनते हो आप पहले अच्छा लगता था अभी थोड़ा डाउनफॉल हो गया क्लास नहीं है वो क्यों हुआ पता है आपको भाई सही टाइम पे ये सब फूकना उफना छोड़ देना चाहिए हाँ नहीं तो भूल जाते हैं छोड़ना जीनियस बलराज भाई ऑन फायर उड़े भाई ऑन फायर तो और यू स्मोक सिगरेट्स एंड ऑल या अल्कोहल तो आप ये हैकिंग कब करते हैं फिर ये जॉब है ना 9 घंटे का जॉब है ना उसमें आप सेट रहते हैं नहीं उसमें जॉब में टाइम काम करता हूं भाई बट लाइक आपको ऐसा लगता कि नशे नहीं करने चाहिए हां मतलब नहीं करना चाहिए नशे नहीं करना चाहिए नहीं नहीं करना चाहिए हां बिल्कुल अभी छोड़ के जाओ यहां पे छोड़ के जाओ जितना भी इधर दे के जाना ठीक है भाई मुझे डर है कि ये जीत गया ना वैन जो नशे ही खरीद लेगा सारे कुछ भी करके जीतना नहीं चाहिए भाई अगर भगवान है तो ये नहीं जीतेगा भाई कैन डांस ओनली व्हेन ड्रंक तो अभी तो नहीं नाच पाओगे तो कुछ मंगाएं क्या बट यार आई एम वेरी वरीड अबाउट योर हेल्थ भाई थोड़ा ध्यान रखो हेल्थ का यार आप थोड़ा ना कमजोर लग रहे हो शेव वेव करो सुंदर लगो शेव करके सुंदर लगते हैं लोग नीति जी को देखो चलो भाई मार्क्स करें मार्क्स देते हैं इनको भाई भाई मैंने दिया है 420 बलराज मैंने दिए 4 मैंने दिए हैं मैं नहीं चाहता ये जीते भाई फॉर योर ओन हेल्थ मैं दे रहा हूं आपको 3 1.5 1 फ्रॉम नीति जी मैंने दिया स्कोर कितना लेकिन जितना मिल जाए कुछ तो दे दो यार मैंने दिए 2 तो दैट मेक्स योर एवरेज ऑफ 2 9.5 पांचों का मिला के पहुंच रहा था 9.5 क्या एक बार जोर ताले पुनीत मल्होत्रा के लिए 9.5 बंदे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग यार कैन आई गेट सम क्लैप्स Never rub it off, give it on further, let them read it. What you want, good, those ears, you just need to save it. It's just no white on black color combination. Solution, knowledge, filled with experiences and education. We will need to brighten our future and our present. We will need your help, yeah, we just need you, Ed. So let's give it on to me, so let's start it all. And cray with it just all white and black color combination solution knowledge filled with experiences and education we will need a bright and a future and a present we
थैंक यू। किरण होलकर जी, होलकर होल तो कर दिया आपने हमारे कान में इधर से उधर, पर कहाँ रह गए, क्या रह गए, सुर सुर माइक टेस्ट नहीं मिला ना पहले। अच्छा माइक तो टेस्ट कर लिया आपने पूरा? हाँ पूरा टेस्ट कर लिया। अगर ये आगे वाले परफॉर्मेंस अच्छे होंगे शायद। भाई आप बहुत ही इंटिमिडेटिंग लग रहे हो मेरे को यार। ओह रियली? या रियली। थैंक यू थैंक यू। एनीवे तो ये आपने कहाँ सीखा? खुद सीखा। खुद सीखा आपने? हाँ थोड़ी ट्रेनिंग भी ली। अच्छा हाँ जी। यू टुक लाइक प्रोफेशनल ट्रेनिंग? या फ्रॉम अ मस्किटो? या सिंगिंग इन माय इयर्स। या मेरे को एक्सेंट बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे को बोलो वो, मेरे को चाहे दो ही वर्ड समझ जाए, सेट सेट स्लेट इट्स स्लेट्स। सही में सही में स्लेट्स इट्स स्लेट्स। हैं स्लेट्स पार्टी स्लेट्स स्लेट्स तो एक्चुअल वर्ड्स मतलब जो मुझे slates. अच्छा लगा वो था भी नहीं वो। बट टोल्ड यू व्हाट इज द करेक्ट वर्ड। हम दोनों को सेट लगा। हां देखो क्या है कि आपका स्टेज प्रेजेंस 10/10 फ्रॉम मी, योर स्टाइल 10/10, द वे यू आर कमांडिंग द ऑडियंस 10/10, सुर जीरो। कदाई अगर माइक टेस्ट मिल जाता तो थोड़ा कुछ और हो जाता। तो अब आपने माइक टेस्ट कर लिया आराम से? हां डू यू वांट टू ट्राई अगेन? ओके इफ यू वांट। नो कर रही जनता आप सिर्फ इंग्लिश में ही गाती हैं? हाँ जी। और कोई भाषा में नहीं गाती? नहीं। तो आपको मतलब ये अंग्रेजी में गाने का कहाँ से इंस्पिरेशन मिला है? पहले से अंग्रेजी गाने सुनती थी बहुत। पहले से मतलब क्या? पहले से पैदा होने के पहले? चाइल्डहुड। या फ्रॉम योर चाइल्डहुड? मेरे पापा भी सुनते हैं इंग्लिश गाने, सो इट जस्ट केम। पापा आए? नहीं डोंट वरी इज नॉट हियर। किरण जी ये गाना आपने खुद लिखा है? हाँ जी। खुद गाया क्यों? लेकिन आप ही गालो मेरा गाना, मैंने लिखा आपको दे देती हूँ आप गालो। नहीं नहीं आप एक बार ना लिरिक्स इसके धीरे धीरे बोल के बताओ क्या। हाँ, लिरिक्स समझ में नहीं आया आपके। इस गाने का ये मतलब है कि हम पेरेंट्स लोग जो लाइक पेरेंट्स जो होते हैं वो आगे देते नहीं बहुत सारी चीजें, लाइक ये मेरे साथ हुआ है तो ये मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। सो ये थॉट है। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? One, my dad is in an entertainment business. Is he a singer? Yes, he is. Oh, तो उन्होंने जो सुर सीखे वो आपको उन्होंने नहीं पास ऑन किए बिजनेस। Kind of, you can say. आप मैं समझ गया। That's why I wrote the song, you can say, yes. Who are your favorite singers? Michael Jackson, yeah. Shakira. And I like Yanni's voice, so yeah. His music is good, but Yanni. I like his voice, yeah. And amongst Indian artists, like upcoming new Indian artists? New, not much, but Nazia Hassan, yeah. She's Pakistani. Yeah, but I like her voice. Pakistan Indian was artists. A part of India, so... No, but she started singing after the partition. Sorry? What do you want me to take? Sorry, what did you say? She started singing after the partition. Okay, I was there. So how do you make money right now? No income right now. But trying my level best to. As you said, no, singing is not that good. I'm trying to make career in singing. So hey, I never said it was not that good. I said it was bad. It was bad. That's what I'm that's saying. Good, good. Yeah. This is my job. Yeah. Hey, I miss the words. कोई नहीं यार किरण होलकर जी, you are very such a good sport है। किरण जी के लिए दुआ करें। Thank you. तो किरण जी आपको स्कोर देने का टाइम आ गया है। ओह ओके। तो मैंने आपके सो यू आर इवैल्यूएटिंग ऑन एवरीथिंग। ओके या तो मैंने इसलिए आपके 5 नंबर बढ़ा दिए। ओह थैंक यू। मैंने दिए 5। थैंक यू। 7 फ्रॉम अमित सर, 7 फ्रॉम नीति जी, 3 3 2 Your average is 5. Okay. So what? आपको दिखाना है? Oh, I don't have that. I left it somewhere, I guess. तो क्या दिए थे आपने खुद को? 10.
Oh, ooh. I like the honesty, but I also like the delusion. Uh-huh. Thank you so much for joining, Kiran ji. Thank you. Up next, we are down to the last two acts. We have Shahid Khan. Come on. शायरी सुनाएगा ये भी शाहिद खान का लगा लिया भाई एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर शाहिद खान एवरीवन कम ऑन कम ऑन कैसे हो सर बढ़िया और महीप सर कैसे हो बढ़िया महीप सर मम्मी ठीक है मेरी पर महीप सर ना हर किसी से पूछते रहते हैं मम्मी कैसी है मम्मी कैसी है यू नो इट इज द साइन ऑफ महीप सर हैविंग मॉमी इशूज पता दादा अरे महीप सर दादा बनने की उम्र में डैडी बनने की सोच रहे हैं यू नो महीप सर कितने ओल्ड है आप देख सकते हो महीप सर जब सेक्स करते हैं ना तो इनकी वाइफ की मौन से ज्यादा इनकी हड्डियों की आवाज आती है आपको पता अपने समय भाई समय ब्रो डिड नॉट इवन हेसिटेट यू नो इंडिया इज नॉट रेडी फॉर सामे राणा ह्यूमर सही कहते हैं पता सामे भाई कॉलेज फेस्ट में जाके बोलते हैं माँ चुदाने गई प्लेसमेंट अच्छा है महीप सर ने समय भाई से नहीं पूछा और मम्मी कैसी है वरना समय भाई बोलते माँ चुदी पड़ी है भाई और टाइम है ठीक है तो ना मैंने अपने दोस्तों को बताया कि ना यार मैं ऐसे महीप सर पे इन सब पे जोक करूँगा तो उन्होंने बोला कि जब वो तेरी लेंगे ना तो सह नहीं पाएगा मैंने कहा बात तो ठीक है मैं मरवरा ना जाऊँ तो मैंने ना सुसाइड हेल्पलाइन पे जाके मैंने वेबसाइट पे ना स्क्रॉल किया तो मुझे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि जब आप इंडिया की सुसाइड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हो तो आपको हेल्प ऑफर करते हैं बट जब आप अफगानिस्तान की हेल्पलाइन सुसाइड हेल्पलाइन पे ऑलराइट शाहिद खान दैट वाज रियली गुड जोक ऑन महीप जी यार हड्डियों वाला ओह फनी था यार वो इसमें अच्छा हुआ Are you like a comedian or is your first time doing comedy? No, I'm doing stand-up comedy for 2 years. 10th class se kar raha hu. Tab ye hal. Tune talking points mein aisi-aisi cheeze likhi hai. Bina hilaye neend nahi aati. Mere ko rishtedari nibhana nahi pasand par phir bhi main rishtedaron ke ghar jata hu festival par kyunki paise milte hain. Ek ek karke aate hain na bhai. Mujhe nahi pasand. Main keh raha hu ye zyada funny wala set likha hua hai yahan pe. ह्यूमर की बात है भाई आपको बिना हिलाए नींद नहीं आती नहीं आती ऐसा स्ट्रेस रहता है माइंड में तो किसका हिलाते नहीं मतलब मैं इतना ओल्ड तो हुआ नहीं हूं कि मेरा खड़ा ना होता हूं अपना हिला लेता हूं जी मैं नहीं सकता नहीं नहीं मैं सह लेता हूं नादान है अभी है ना ऐसे नहीं बोलते बेटे पापा को ऐसे नहीं बोलते ठीक है मैं मुसलमान हूं है? तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के चोता हूं सरकार किसी की नहीं हो देश में मैं भी पंजाब से हूँ मैं धर्म के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता ठीक है ना ओह मैन आ गया मजा शाहिद खान अब ये शाहिद खान से शहीद खान हो आज बिना हिलाए नींद आएगी तुझे नहीं मैं हिला के आया अभी हिला के आया हो इसका माइक इसका माइक बंद कर रखा है ना माइक बंद कहाँ
मैंने वो नीचे वाले की बात कर रहा था। नीति समय ने बहुत रिलेट किया। मेरे को जेन्युइनली माइक को हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा। शायद खान आ गया मजा। हाँ आ गया आ गया। आपने लिखा है कि आपको नहीं पसंद कि आप एक गर्लफ्रेंड का कोई मेल फ्रेंड हो, पर मैं खुद 5-6 लड़कियों का मेल फ्रेंड हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी भी गर्लफ्रेंड है? हाँ। मतलब अब आपकी छोड़ गई तो फिर मैं नहीं, मेरी तो है। अच्छा, आपके मेल फ्रेंड भी है? आई एम सिक्योर लाइक दैट। बिग डिक एनर्जी। तो आप क्या गर्लफ्रेंड को बाहर नहीं जाने देते हो आप? तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाने देते अब है ही नहीं ना गर्लफ्रेंड, अब नहीं है। अब नहीं है, जहाँ मर्जी जाए, माँ चुदाए मुझे। नहीं, माँ चुदाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो आपको कैसी लड़की चाहिए फिर फाइनली? मेरे को कैसी लड़की चाहिए, मतलब अच्छी हो। अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ बस भाई, अगर घर वालों का ख्याल रखे। नाक में सेप्टम वाली चलेगी आपको? हाँ, वो नाक में जो वो गोल होता है जो। हाँ फिर क्या दिक्कत है, वो तो औरत गहने पहनती है तो चलेगी। चलेगी, उसमें आप रस्सी डाल के बांध भी सकते हो। नहीं 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 नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग लड़की चाहिए ना? हाँ, अगर उसको भी अंडरस्टैंडिंग लड़का चाहिए हो तो। आपको रिश्तेदारी निभाना नहीं पसंद? नहीं। रिश्तेदारी नहीं पसंद तो शादी किससे करोगे फिर? मतलब रिश्तेदारी में कोई लड़की नहीं है ना, इसलिए रिश्तेदारी नहीं पसंद है। तो लड़कियां पैदा क्यों नहीं होने देते तुम? भाई क्योंकि बात लग रहा है। नहीं नहीं, बुरा नहीं। पक्का ना भाई? पक्का पक्का। तीन बार बोलो। पक्का पक्का पक्का। लव यू मेरे भाई। भाई शायद अगर ताली आएगी भाई, क्या स्पोर्ट है भाई। मुझे लगता है आपने बहुत कुछ देख लिया है इतनी छोटी उम्र में। आपकी गर्लफ्रेंड ने चीट कर लिया आप पे, ये सब हो गया, तो आप ना थोड़ा पत्थर दिल हो गए हो अब। हाँ कह सकते हैं सब। थोड़ा पिघलो यार, बड़े क्यूट हो, इतनी अच्छी स्माइल है आपकी, सोच क्यों इतने गंदे हैं? वो जोक्स लिखने के लिए सोच गंदी है। तो असली में नहीं हो ऐसे? असली में नहीं हो ऐसा मैं। असली में कैसे हो आप? असली में अच्छा आदमी, डीसेंट। डीसेंट, तो ये सब झूठ है क्या? नहीं मतलब ये सब झूठ नहीं है, ये सब मेरा पास्ट है ना। अब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, सारी ऐसी नहीं होती। पिछले 5 मिनट में हो रहा ना रियलाइज? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शाहिद भाई, who inspired you to do stand up comedy? ऐसा मतलब कोई नहीं। कोई भी नहीं, मतलब ऐसे हार्ट ब्रेक हुआ तो सोचा क्या बनूं, तो शायर तो मैं बन नहीं पा क्योंकि वो शायरी वायरी नहीं। मतलब आपने स्टैंड अप ऑनलाइन देखा है? नहीं देखा। हां ऑनलाइन स्टैंड अप देखा। लाइक किसका सबसे फेवरेट है? हां मैं गौरव गुप्ता। ओह, फिर उसके बाद? उसके बाद जाकिर खान, फिर मुनव्वर, फिर सामे भाई। वाह यार, पांचवें नंबर पे हो तुम। हां नहीं मतलब सामे भाई को मैंने ऐसा लेट डिस्कवर किया ना इसलिए। अरे थैंक यू मेरे भाई, मेरे को डिस्कवर तो किया उसने। तो मैं तो अभी आया हूं ना। इनको भी बहुत पहले डिस्कवर किया था किसी ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था इनको। चलो टाइम टू स्कोर शाहिद खान मेरे भाई, कम ऑन, मेक सम नॉइज़ फॉर शाहिद खान। ग्रेट स्कोर। मैंने आपको दिए हैं 7-4 फ्रॉम अमित जी, क्योंकि अमित जी की बेटी भी है। 5.5 फ्रॉम नीति जी,
मैंने दी है 333 3 फ्रॉम महीप सिंह 6 फ्रॉम बलराज दैट मेक्स योर एवरेज ऑफ 5 Oh man, I'm so happy you didn't win, man. Make some noise for Shahid Khan, buddy. Come on, make some noise for him. Go, bhai. We're down to the last act of the night. Are we ready? Make some noise for Hard Shivam. सो आई एम अ स्टैंड अप बीट बॉक्सर. अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि स्टैंड अप बीट बॉक्सर क्या होता है. वेल, बीट बॉक्सिंग तो लेट के बैठ के भी की जा सकती है. वेल, सेम सवाल मेरा स्टैंड अप कॉमेडियन से भी है. एनीवेज, बीट बॉक्सिंग करने के कई फायदे हैं. लाइक आप किसी को भी मुंह पे गाली बक सकते हो एंड एट द एंड वो आपके साथ वही भी करेगा. कैसे मैं बताता हूँ. हर जगह बीट बॉक्सिंग करने की आदत लग जाती है. लाइक आप खा रहे हो तो बीट बॉक्सिंग कर रहे हो, हग रहे हो तो बीट बॉक्सिंग कर रहे हो. ऐसे ही एक दिन मैं उसके साथ बेड पे था एंड शी स्टार्टेड मॉर्निंग लाइक के बोलना चाहूंगा बैंड शो. लेट्स गो क्रेजी. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया यार. ये मॉर्निंग वाला कहीं सुना वाला है. ओह मैन हार्श, यू हैव रियली लिव्ड अप टू योर नेम ब्रो. थैंक यू सो मच. दैट वाज रियली रियली वाइल्ड. राइट, मींस अ लॉट सर, मींस अ लॉट. बेचारे क्लीन कॉमेडियन अमित टंडन आज रिदम में गालियां सुनी है. तो ये आइडिया कहाँ से आया था आपको? बेड पे. बेड से आइडिया आया था? यस सर. खाते हैं तो बीट बॉक्सिंग करते हैं. आप कहाँ कहाँ पे बीट बॉक्सिंग करते हो? जहाँ मन करता है. लाइक यहाँ पे भी मन किया तो कर दिया. नहीं, बेड में भी करते हो आप? हाँ, सोते हुए हकते. लाइक एवरी टाइम इट्स लाइक माय स्ट्रेस बस्टर. हकते हुए मुंह से करते हो आप? हाँ, घर वालों को लगता है 10 लगे. या हर जगह से कर लेते हो आप बीट बॉक्सिंग? उससे भी मैं मैच कर लेता हूँ. लाइक ओह शिट भाई. यस शिट. भाई के पास टाइमिंग तो है भाई. ये तो एक बात बता, तू मेरे डट्टे चूके क्यों गया? अरे हाइट वहीं तक पहुंची ना मेरी. मीट बॉक्सिंग. हाँ, वो मम्मी भी यही कहती थी यार. आपके घर वालों ने सुना है? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं. और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि ना ही सुने तो बढ़िया है, वरना मेरे को घर में घुसने नहीं देंगे. आप उनको क्या बोल के यहाँ आए? हसल का ऑडिशन देने आया. तेरे ये हसल में तेरी फसल कटेगी अच्छी तरह से. तू जा एक बार. अरे यार, मैं सच में बहुत इम्प्रेस हूँ. इतनी छोटी उम्र में इतनी गालियाँ सीखी. आगे जाके तो क्या क्या करेगा.
माँ इच्छोत देगा भाई हार्ड शिवम यू आर ऑल्सो वीडियोग्राफर वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिजाइनर व्हाई ब्रो यू हैव दिस टैलेंट पैसे नहीं मिलते ना इसके इतनी इज्जत बीटबॉक्सर को कोई नहीं देता जितनी आप दे रहे हो अरे ब्रो यार ऐसा नहीं यार आई वांट दिस गाय टू विन आई वांट हिम टू इसको बार देखना है इसको तू पहले इससे पूछ ले कितने नंबर दिए थे नहीं भाई Man, heart, Shivam, I really, from bottom of my heart, I hope you win, bhai. Arre, sir. Aapne keh diya na, to main jeet gaya. Kya baat? Ye to senti kar raha hai bhai abhi yaar. Maa behan ki gaaliyan dekh ke senti kar raha hai abhi. Ekdam confused kar diya hai tumne mere ko bhai abhi. Aap sach mein Madhya Pradesh se aaye hain ye show karne? Haan ji, haan ji. Matlab aapko dekh ke ladkiyan chali gayi hain dekho. To shayad late ho raha hoga. Why are you going? Just wanna call my mother. Dekh lo, busy aa jayega ab 2 minute mein abhi. ब्रांडिंग बन गई है आपकी यार भाई मैं जी यार क्या देख लिया यार ये ये तो अच्छा ही देखा यार पहले वो जो देखा था वो प्रॉब्लम तू इकलौता टैलेंटेड आदमी आया पता है आज मैं रैप भी करता हूँ ऐसे रैप भी करता है हो जाए फिर तेरी मर्जी है भाई इतनी है डेयरिंग जैसे महल है कश्मीर में कांच का कुर्सी पे भी बैठू तो आल्टी पाल्टी मारता मेरे लेवल का नहीं तुम मुझसे रखना फासला बेटा हार के ना बैठू मैं भी एक ही बाप का पाले स्नेक भी आस्तीनों में पर जहर नहीं बांटता जब भी खाने को ना मिले तभी पहनी पास्ता पास मारू हैवी अभी हूँ बारहवीं पास ना छोड़ूंगा नहीं मैं जब तक मेरा प्राण निकापता करूँ घर तेरा बेड़ा पूरा नर्क मेरा आएगा वर्चुअली स्वर्ग से कनेक्ट जैसे मेटा हर शब्द जैसे मेहता हर वर्ष मेरा महंगा जैसे हर्षद मेहता पर ना फक डब बेटा इनका छूट गया जैसे ब्लैडर गया फूट हुआ भाई इज्जत भरी खिलाफ मिला ना प्रूफ मेरी हवा में मैं घूम पकड़ू जैसे मैं लूज पेट फास्ट करूं तू तेरी बिगाड़ू मैं तू I'm waiting for the time गाने फटे जैसे माइक स्टे पूरा मेरा होगा कैश आउट करे जब क्लाइंट टेक सेक थिंक ट्वाइस डबल आर ऑन माय राइट डॉलर साइड में अगानी होगा पूरा वाइट मचा दूं टेल का शेर का बेटे शेर जा फैलता जैसे जहर सा टहलता जैसे राजा हूं मेल का I'm losing myself साइज भी आता नहीं बेल्ट का आधा साल निकल गया मैंने पढ़ा नहीं तो इसका ओ शिट कैसे करूं प्रोसेस या करूं कोशिश मे बी आई एम होपलेस शुड आई ओपन माय बुक्स और क्लोज इट Let me know that बंदे नकल जी हो रहे लेकल जी चलेंगे तेज तो पढ़ेंगे जल्दी बिना सब के लगे जी हल्दी मसल डबोट जल्दी तेरी मसल की हमें आवारा बले बजे बारा तू जल्दी से बारा मैं भी जल्दी आ रहा पर किधर जाना पता ना ठिकाना सिकाना मत रात के तीन के सुबह के बारह तक हटा दो वेरिएशन चाहिए ना नेविगेशन देना मत वैलिडेशन फक दैट वैलिडेशन मैथ बिलो द एवरेज कछुए से लगा था ड्रैग रेस गुड टू के काफी गुड डे एंड आई विल ट्रिप ऑन अ बैड इज भरूंगा बोरी में बोलूंगा सैक रेस मिली नहीं रहा मेरा बैगेज तेरी बंटी बैठी मेरे लैब पे ठीक करा के दे आज क्रैक ओह शिट दैट वाज क्लासिक बेंड कर दिया हार्ड डिस्क तुझे दिखी नहीं रहा मेरा पेन फिजिकल हिला दिया संतुलन मान सीखूं मैं बहुत लिखूं मैं बहुत सीखूं मैं और ढीठूं मैं बहुत पता नहीं क्या करूं मैं क्या लेटेंट लेटेंट भाई आपको सच में हंसा ही जाना चाहिए था भाई गलत शो पे आया हुआ भाई यही ऑफर हुआ अप्लाई नहीं किया हसल में किया था दे डिडंट सेलेक्ट यू पता नहीं देखा भी नहीं यार देखा आपने रफ्तार भाई का ये ऑनलाइन वाला शो में पार्ट लिया नहीं हाँ लिया था यही ये अभी जो किया ना यही वाले एंट्री डाली थी और... क्या नंबर आया था आपने सेलेक्ट नहीं किया था ऐसे नहीं डिस करते रफ्तार को लोग समझ में आया क्या आपको क्या था ये भाई बहुत क्रेजी भाई बहुत क्रेजी वंस अगेन भाई क्रेजी बहुत हार्ड शिवम थैंक यू आज से आप मेरे लिए बहुत हार्ड शिवम हो बस आज से बहुत हार्ड आपका गोल इन लाइफ है टू बी अ ग्रेट रैपर तो वो तो हो गया अब क्या गोल है अब जीतना ब्रो आई रियली विश यू विन मेरे भाई काश मैं भी तो ठीक है तो भाई शुरू करते हैं वहां से इस बार ब्रो लेट्स गिव हार्ड शिवम सम मार्क्स नाउ
Bro, I really wish he wins, man. So let's start from Balraj this time. Brother, it's a full 10 on 10. 10 on 10. 10 from Mahip Singh. 10 from Neeti ji. उसको काट के नौ करा है बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू विन की 9.5 शायद इसने विश किया हो शायद 10 ना किया हो तो आप दोनों 9 कर रहे हो नहीं नहीं मैं सोच रहा हूँ अभी पता है सर प्लीज सोच समझ के लेके तो कुछ मत बोल अभी अभी माइक दूर रखो तो कुछ मत बोल देख मैंने एक चीज देखी है जो भी आदमी असली में टैलेंटेड होता है ना वो कभी खुद को 10 नहीं देता पर वो बंडी जो आया था देखो वो 10 देता है वो The more you learn, the more you know that you don't know. Yeah. तो ये वैसा आदमी लग रहा है मेरे को तो अभी तक हिस्ट्री ऑफ लेट नाइट में जब भी कोई रियली टैलेंटेड आया है उसने खुद को 8.5 दिए भाई चैट चैट लेट्स गो चैट लेट्स गो चैट मुझे तुम्हारी ओके 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 यू गाइस दिस इज नॉट समथिंग आई नाउ आई नीड योर हेल्प ठीक है Should I give him? How much should I give him? 9. 10. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Okay. Give it. So okay. Cheer for 8. Okay. Cheer for 9. Okay. Cheer for 10. तो आई नीड 45 सो अभी 39 हुआ है आई एम गिविंग यू अ 6 ठीक है योर एवरेज इज 9 दिखाओ आगे गो 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 इसने 8.5 दियो इस पे जाना है क्या Straight. Fuck man. भाई तूने महीप जी को खड़ा कर दिया भाई ये कभी नहीं होता अनलेस कोई मम्मी आ जाए महीप जी भाई क्या आदमी भाई क्या जीता भाई तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरे भाई एनीथिंग यू वॉन्ट फ्रॉम मी आई कैन गिव यू भाई कुछ भी जो बोले तू अभी तक तो स्ट्रेट था थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज गॉट लेटेंट दोस्तों मेंबर्स ओनली सेक्शन में आप जाके इसके डिलीटेड वीडियोस देख सकते हैं ऑलरेडी द वीडियो इज अपडेटेड ओवर देयर तो गो जॉइन इट फॉर 59 रुपीज अ मंथ विच इज लाइक नथिंग कंपेयर टू हाउ मच मनी यू स्पेंड ऑन अदर शिट एवरी डे जस्ट बैंक दो भाई 50 रुपए दो मेरे को फटाफट ठीक है चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन टेक केयर एंड डू फाइंड योर लेटेंट